नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में सभी करदाता व्यापारियों को मंथली रिटर्न के जरिए जीएसटी टैक्स पे करना है। इसमें मंथली रिटर्न्स के तीन पार्ट होंगे, जैसे GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3। गवर्नमेंट ने हमें पहले 2 महीनों के लिए रिटर्न फाइलिंग में GSTR 3B रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। इसके अनुसार हमें जुलाई और अगस्त मंथ के लिए GSTR 3B यह रिटर्न फॉर्म फाइल करना है। इस रिटर्न रिपोर्ट में हमें मंथवाइज किए गए ट्रांजैक्शंस की कंसोलिडेटेड फिगर देनी है। इसके बाद भी हमें इस पीरियड का GSTR 1 और GSTR 2 फाइल करना है, जिसमें इनवॉइस वाइज डिटेल्स होंगे। GSTR रिटर्न फाइलिंग के इस प्रोसेस के अनुसार एक्मे इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर में GSTR 3B रिपोर्ट भी उपलब्ध किया गया है। इसके लिए सबसे पहले इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर में इन्फिनिटी का लेटेस्ट GST अपग्रेड करना जरूरी है। ये अपग्रेड आप हमारी वेबसाइट www.acmeinfinity.com/download यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फिनिटी प्रोग्राम में GSTR 3B का रिपोर्ट टैक्सेशन के GST रिटर्न इस मेनू में दिया है। GSTR 3B रिपोर्ट ओपन करने के लिए GST रिटर्न ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद जरूरत के अनुसार मंथ की डेट रेंज सिलेक्ट कीजिए। अब ओपन हुए टैक्स रिटर्न टूल विंडो में अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए। यहां पे मंथली रिटर्न्स फाइलिंग इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद मंथली रिटर्न फाइलिंग इस विंडो में रिटर्न फाइलिंग GSTR 3B इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। यहां पे अभी GSTR 1 और GSTR 2 पे क्लिक मत कीजिए। फिलहाल आपको यह रिपोर्ट आवश्यक नहीं है, क्योंकि इनमें और बदलाव होने की संभावना है। अभी आपको जुलाई और अगस्त मंथ के GSTR 3B के अनुसार कंसोलिडेट डेटा फाइल करना आवश्यक है। GSTR 3B यह ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म GSTR 3B ये विंडो ओपन होगी। यहां आपको अपने किए हुए ट्रांजैक्शंस की जानकारी GSTR 3B फॉर्म के फॉर्मेट में दी है। इसमें हमें ट्रांजैक्शंस की जानकारी कंसोलिडेट फिगर में देनी है। इस विंडो में आपको GSTR 3B फॉर्म के लिए आवश्यक सभी जानकारी टैबुलर फॉर्मेट में स्क्रीन पर दिखाई देगी। यदि आपको किसी पॉइंट की डिटेल देखनी है तो यहाँ डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। GSTR 3B फॉर्म विंडो में दिए हुए एक्सपोर्ट एज CSV इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप GSTR 3B रिपोर्ट एक्मे TMP फाइल इस फोल्डर में CSV फाइल में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के एक्सपोर्ट टू एक्सेल इस ऑप्शन को क्लिक करके ये रिपोर्ट आप सीधे एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आप आपके टैक्स कंसल्टेंट को मेल करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार आप एक्मे इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर में GSTR 3B रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि GSTR 3B में दी गई कंसोलिडेट फिगर सही होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब हम GSTR 1 और GSTR 2 फाइल करेंगे तो उसकी डिटेल हमारे दिए हुए GSTR 3B के साथ मैच होनी चाहिए। इन्फिनिटी में GSTR 1, GSTR 2 और उससे संबंधित नए चेंजेस और अपडेट आपको आगे दिए जाने वाले अपग्रेड के जरिए उपलब्ध किए जाएंगे। उसकी जानकारी आपको SMS द्वारा दी जाएगी।